वहाँ से खाली होने में 5 मिनट बाकी हो रहा था, तब मैं फोन किया था। बोले यूनिट वालों को सब ब्रेक पर अंदर भी मारा, फिर उन्होंने काम आ रहा, फिर उन्होंने आगे मारा, फिर आधा घंटा भी नहीं हो रहा। अब मेरा फोन सिकंदराबाद से तरफ गया, हमारे साथ वो स्विफ्ट गाड़ी वाले थे, वो हमारे सोबत चेक करके हमारे से लूटपाट किए पैसे। कैसे, कितने का लूटपाट किया, क्या किया? उन्होंने पहले आया, गेट खोला मेरे, मेरा यहाँ पे गर्दन पे पूरा ऐसे पकड़ लिया कि मैं हिल पाट भी नहीं रहा था। गाड़ी में पैसे थे, पैसे निकाल लिए। कितने लोग थे? उन लोग 3 आदमी थे। हथियार हथियार थे उनके पास? नहीं, हथियार मैं देखा नहीं, हथियार था कि नहीं, लेकिन हमारे साथ उपयोग नहीं किया उन्होंने हथियार का। फिर पुलिस को कैसे सूचना दी तुमने? फिर हमने पुलिस के लगाया फोन, लग नहीं रहा था, तो फिर हमने वो जहाँ माल खाली करके आया था वहाँ फोन मिलाया, फिर उन्होंने फिर पुलिस को फोन किया था, फिर पुलिस वाले ने मेरे को फोन करके पूछे कहाँ पे है, फिर हमने बताया गाँव के नाम औरत से पूछ के, वो लेडीज लोग जा रही थी उनसे पूछा कौन सा गाँव है, उन्होंने बताया तो फिर उनको बताया, फिर ये आए। हम सुबह क्या कहें, घर से निकले थे दुकान के लिए लगभग 6:30 बजे। अच्छा, और क्या कहें, मैं कुत्तों को उड़ाने बिस्कुट, हमने बिस्कुट डालने के बाद मैं बस 500 मीटर के आसपास भी नहीं चल पाए होंगे हम। हाँ। तो हमारे ओवरटेक करा हमने, ओवरटेक से हमें रोका है, और रोक के हम क्या कहें, वो गोली चलाई हमने हमारे ऊपर। अच्छा, हम धमकी दिए मारने की, मारे नहीं, फायर किए। तो कितने पैसे थे और क्या क्या ले गए? 2,05,000 रुपए के अंदर थे, और उसमें एक बैग में बही खाते हैं, दूसरे बैग में कंप्यूटर वगैरह, दो बैग है। अच्छा, ये है। कितने बदमाश सिखाई पे थे? एक तो उस पर था अपाची पे, और दूसरा दो आए पीछे से। अच्छा, उनमें से एक उतरा और हमारी मोटरसाइकिल लेकर चले गए, स्कूटी भी ले गए। स्कूटी भी ले गई, ये हुआ है। आपने तहरीर दे दी पुलिस? हाँ, तहरीर दे दी है। अभी इसमें जानकारी की जा रही है और मैं घटनास्थल पर स्वयं मौके पर मौजूद हूँ। जैसे ही सूचना मिली मैं यहाँ पहुँचा और मैंने देखा कि टैंकर को किसी छोटी गाड़ी के द्वारा रोका गया, जो अपने आप में ही संदिग्ध प्रतीत होता। अब ये क्या मामला है और ये इस तरीके की जो बातें की जा रही हैं उसकी जांच में पुलिस जाएगी और जो सच होगा वो सामने आ जाएगा। सर, गुलावटी थाना क्षेत्र में भी एक लूट का विरोध करने पर, बताया जा रहा बाइक लूट का विरोध करने पर पीड़ित को गोली मार दी गई है, क्या कुछ वो घटना रही है, क्या कुछ अब तक सफलता हाथ लगी है उसमें? देखिए, जहाँ तक गुलावटी कोतवाली के तहत जो गाँव औरंगाबाद अहिर, मैं स्वयं वहाँ मौके पर पहुँचा और मेरे द्वारा जब वहाँ मेरे द्वारा देखा गया तो उसी जहाँ की ये घटना बताई जा रही है, बात सही है, घटना हुई है, लेकिन घटना लूट का तो उसमें संदिग्ध इसलिए है कि उसी के पास में क्रेशर है, 50 मीटर पर क्रेशर है, उससे आगे ट्यूबवेल है, वो ट्यूबवेल वाला आ रहा है उसके पास, उस ट्यूबवेल वाले के पास ही उसी से घटना घटी हुई है, ट्यूबवेल वाले के साथ ही ये वाक़ात हुआ है। और इतने नज़दीकी से कोई लूट की घटना किए जाना मुझे समझो प्रतीत नहीं होता है। तो कुल मिलाकर दोनों ही घटनाओं पर गहनता से जांच की जाए, पुलिस अपनी छानबीन कर रही है, जांच कर रही है और मामला दोनों ही संदिग्ध।